अस्सलाम वालेकुम, मैं दरगाह दीवान शाह दूध बॉडी अशाना होटल के सामने से अदनान शेख। तो आप सबके सामने एक बात रखना चाहूँगा, यहाँ का पूरा चेंबर खुला है और यहाँ की पूरी गटर मतलब 8-12 बजे के बाद भर ही आती है। और यहाँ की गटर की हालत इतनी खस्ता हालत है ना कि पूछो मत, कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। इतना खस्ता हालत है, देखो यहाँ के गटर की हालत। अभी एक कार फंसी थी जस्ट यहाँ पे, और अभी ये पूरी गटर की हालत देख सकते हो आप, कितनी खस्ता है, कितनी खस्ता है। ये रात को कोई गटर, कोई ये क्या नाम है, आगे वॉशरूम वाले हैं तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं वॉशरूम, तो यहाँ वो पानी छोड़ते रात को 12 बजे के बाद, तो पूरा गटर भर जाती है। यहाँ से पूरा रोड पूरा पानी रहता है। ये गटर की वीडियो मैं काफ़ी टाइम से डाल रहा हूँ, और ताहिर भाई प्लीज़ मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो आगे से आगे मैक्सिमम बढ़ाए, ताकि ये गटर का काम हो जाए, ताकि लोग जो गिर रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, जिनकी बच्चियाँ गिर रही है। एक अभी जल्दी की बात है, मेरे घर वाले भी बोले अभी वीडियो में जो कि आप सुने, कि अभी एक औरत और एक बच्चा स्कूल जा रहे थे तो ये गटर में गिर गए, क्योंकि ये गटर की हालत ही ऐसी है कि कंडीशन ही ऐसी है कि लेडीज़ लोग चला नहीं पाते हैं गाड़ी। देखो ये रोड अभी जस्ट बना था, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, देखो डामर देखो उसका, अभी जल्दी बना था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और ये देखो खोदना चालू, ये काफ़ी लंबा खोद दिया, और यहाँ की गटर तो बनाने का नाम ही नहीं लेते यार, ये लोग को कोई भी पड़ी नहीं है सिवाय अपने अपने, सब अपना देख रहे, पर हमको तकलीफ़ होती है यार, यहाँ पे जो गिरता है, जो गिर रहे पड़ रहे, और हमको ये इस बात की तकलीफ़ होती है। तो आप ताहिर भाई, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ये वीडियो मैक्सिमम बढ़ाए, मेरी मैक्सिमम शेयर करें। क्या बोले, रोज का हो गया यहाँ पे, रोज का डेली का हो गया ना, कभी कोई गिर रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है लोग को, ये खड्डे की वजह से तो और तकलीफ हो गई है। पहले मैं तो बोलता हूँ ये गटर रिपेयर करो, फिर कुछ काम करो, टॉयलेट का पानी जाता है उधर। हाँ, और रात भी टॉयलेट का पानी गिरते रहता है, डेली कंटिन्यू टॉयलेट का ही पानी जाता है वहाँ से। ये देखो हमारे घर वाले भी गए हुए, कौन गिरा था यहाँ पे, लेडीज गिरी थी गटर में, वो गटर में साइड गटर में लेडीज गिरी थी, ये वाली ना, कॉर्नर पे जो खुला है ना, हाँ ये चेंबर में, एक बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही थी लेके गिर गई थी। अच्छा देखो यही गटर में ना एक लेडीज गिर गई थी। और यहाँ पे हमको ब्रेकर की भी सुविधा चाहिए। ये देखो ये गटर की वजह से और ये गड्ढे की वजह से देखो पूरी गाड़ी फंस गई है, देखो गाड़ी निकलने की चांस ही नहीं है। ये अभी रोड बना था, फिर ये लोग गड्ढा खोद दिए, उसकी वजह से गाड़ी वगैरह फंसने लगी। वो गाड़ी वाला अभी इसको ढेपते ही बचाए, क्योंकि इस रोड की वजह से और ये गटर की वजह से। तो मैं हमारे नगर सेवक वसीम अंसारी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अंकल प्लीज़ आप जल्द से जल्द ये गटर रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक आंटी लोग भी गिरे थे, जो अभी जल्दी की बात है, डिसेंट की बात है, कि उसमें ना एक आंटी गिर गई थी, जो बच्चे लोग को स्कूल लेके जा रहे थे उसके अंदर गिर गए थे। इसका जिम्मेदार कौन होगा अभी, आप लोग के नगर पालिका के दूसरे लोग? तो प्लीज़ मैं आपसे ये अपील करूँगा कि यहाँ का रोड बना दें और यहाँ की गटर को क्लियर करें। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।